हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और उनके योगदान विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधानसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री से कांग्रेसियों में खुशी की लहर। राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर एक दूसरे को खिलाई मिठाई, पटाखा फोड़कर मनाई खुशी। प्रदेश के नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राकेश गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न कार्यशाला। नगर निकायों और पंचायतों और निगमों के वित्तीय संस्थान कर निर्धारण संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए गए निर्देश। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत जनपद स्तर पर मतदाताओं की सहायता एवं शिकायत हेतु डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर स्थापित। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने टोल फ्री नंबर 1950 किया जारी तथा नोडल अधिकारियों को किया नियुक्त। वेतन विसंगति सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का हड़ताल रहा जारी। कहा, महंगाई के इस दौर में कठिनाई से कर रहे हैं जीवन यापन। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां अंतिम चरण पर, पुलिस के जवानों ने परेड का किया प्रैक्टिस। जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय क्रीड़ांगन 29 एवं 30 जनवरी को। 29 जनवरी को सहजनवा के विधायक शीतल पांडे करेंगे उद्घाटन। और मौसम ने बदली करवट, जनपद में मंगलवार से रुक रुक कर हुई बारिश, मौसम हुआ सर्द। रबी के फसल के लिए ये अमृत की हुई वर्षा, किसानों के खिले चेहरे।